नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी लेटेस्ट इन्फो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, 1350 वैकेंसी टोटल फुलफिल नहीं की गई है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सिलेक्शन लिस्ट को फिर से निकाला जा सकता है, या फिर जो आपकी वेटिंग लिस्ट में जो वैकेंसी है उसको ही यहाँ पर फुलफिल किया जा सकता है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो सभी टेलीग्राम ग्रुप में ही डाली जाती है। हमारे दो टेलीग्राम है, एक आप डिस्कशन कर सकते हैं और एक हमारा मेन चैनल है। आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी नोट्स PDF वगैरह भी मिल जाएंगे। हमारे फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुके हैं, जल्दी ही आपको नए जो ग्रुप्स का लिंक है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हो, जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे निकाली गई है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे निकाली गई है। कुछ कैंडिडेट्स रिजल्ट को लेकर परेशान भी है और जिनका नाम यहाँ पे देखने को मिला है वो खुश भी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो सिलेक्शन लिस्ट है दोस्तों आपकी निकाली गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है और उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ना खुश भी है क्योंकि उनको लगता है कि 60% जो सीट्स हैं वो बॉर्डर एरियाज को नहीं दी गई हैं। हालांकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो तो डाटा सभी JKP ऑफिशियल्स के पास ही होता है। तो बाकी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो हमारा मेन मुद्दा है ये है कि इसमें 1350 वैकेंसी क्यों फुलफ़िल नहीं की गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब ये रिक्रूटमेंट आई थी 2019 में, तब हमारी जो बात की जाए तो अभी लद्दाख जो है तभी हमारे साथ ही था, मतलब एक यूनियन स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन दोस्तों अब UT बन चुकी है, कुछ वैकेंसी उसमें डिवाइड भी यहाँ पे की गई होगी। तो मेरे को लग रहा है कुछ पोस्टें वहाँ पे उनको देखने को ज़रूर मिली होंगी। तो बाकी उनकी अलग थी, ऐसा तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं था। बाकी मेरे को लग रहा है यही पोस्टें, जो आधी पोस्टें उनको दी गई हैं, और जो बॉर्डर बटालियन की जो आपकी बॉयज़ की होगी वहाँ भी आपको इतने ही, अगर मतलब ये सब अगर उनको वैकेंसी दी गई है तो बॉयज़ में भी आपको 1100 तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी ये सिलेक्शन लिस्ट है, जो भी वेटिंग लिस्ट में है, उनको अभी वेट करना पड़ेगा। जो अभी नया अपडेट आएगा वही तब भी हम सुना सकते हैं। जो अभी सिलेक्शन लिस्ट में है वो फिलहाल मेडिकल की, यहाँ पे मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई मैसेज वगैरह है तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैक्सिमम मैं एक्टिव रहता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं।